नमस्कार किसान भाइयों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज सबसे अच्छी बात आपको बता देते हैं कि एमपी के माल के अंदर अच्छी खासी ज़बरदस्त तेज़ी आनी चालू हुई है। जो मैंने आपको बोला था कि आवक जब कंट्रोल में आएगी तो वापस तेज़ी इसके अंदर आनी है, तो आपको भाव देंगे एमपी के प्याज के और सभी जगह के प्याज के भाव आपको देंगे। साथ में आपको निर्यात के बारे में भी बताएंगे कि कितना निर्यात हुआ है। तो चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों किसान भाइयों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आपको निर्यात के बारे में बता देते हैं कि कितना निर्यात हुआ है, क्योंकि निर्यात में भी अच्छी तेज़ी है। सबसे अच्छा ये लग रहा है कि निर्यात में तेज़ी के साथ में भावों में वापस तेज़ी आनी चालू हुई है और बहुत ही अच्छी तेज़ी आ रही है। आगे आशा करते हैं कि इसी तरह की तेज़ी आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि अगर आवक कंट्रोल में मतलब निर्यात कंट्रोल में रहेगा, ज़्यादा माल वहाँ नहीं पहुँचेगा, तो निश्चित बात है आगे और भी तेज़ी देखने को अपने को मिल सकती है। और जब बॉर्डर ओपन होगा, जब आपको पता है कि एक बार बंद होगा फिर जब वापस ओपन होगा, तो निश्चित बात है जब दोबारा से ओपन होगा तब और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले बता देते हैं कि निर्यात कितना हुआ है। तो कल जो है 229 ट्रक जो है निर्यात हुए हैं, 229 ट्रक निर्यात हुए हैं, मतलब पहले से कम 20 ट्रक मतलब ट्रक जो हैं ज़्यादा निर्यात हुए हैं, मतलब तेज़ी के अंदर है। जैसे पहले 209 ट्रक हुए थे और आज जो है 229 ट्रक हुए हैं, तो मतलब निर्यात में भी तेज़ी है और भाव में भी तेज़ी है। तो आपको भाव बता देते हैं कि क्या भाव चले हैं बॉर्डर पे प्याज के। मीडियम मोटे की बात करें तो 44 से 47 गया है। सुपर गुलटा की अगर बात करते हैं तो 47 से 49 गया है। गुलटा की अगर बात करते हैं तो 45 से 46 गया है। साउथ के माल की बात करते हैं 48 से 42 गया, मतलब साउथ 48 से 52 गया, मतलब साउथ के माल में भी वापस फिर अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि साउथ का प्याज भी बीच में थोड़ा सा डाउन हो गया था, लेकिन सबसे तेज़ वैसे साउथ का ही चल रहा है, मतलब दक्षिण भारत का प्याज ही चल रहा है, उसमें और तेज़ी आने के चांसेज हो गए। अब नगर की अगर बात करते हैं तो 44 से 46 गया है। अब बात कर लेते हैं एमपी के प्याज की, तो एमपी के प्याज की अगर कल की बात करें तो 36 से 38 के करीब एमपी का प्याज गया था, लेकिन आज के भाव की अगर बात करते हैं तो 36 से 42 के बीच में गया है। मतलब एमपी के माल में भी एमपी के प्याज में भी तेज़ी देखने को मिल रही है, और आगे ये तेज़ी मैंने बोला ही था कुछ ना कुछ इसमें बढ़ेगा ही, घटने के चांस अभी तक तो कोई नज़र नहीं आ रहे हैं। और मैंने ये भी बोला निर्यात अगर सही से कंट्रोल में होता रहा तो तेज़ी बनी रहेगी। अब सोलापुर की अगर बात करते हैं तो सोलापुर में 42 से 43 गया है, और गुजरात की अगर बात करें तो 43 से 45 गया है। मतलब सबसे बड़ी चीज़ थी एमपी का प्याज जो है सबसे डाउन के अंदर चल रहा था शुरू से ही, जो मैंने आपको बोला था शुरू से डाउन में चल रहा है। बीच में एक ही बार बहुत अच्छी ज़बरदस्त तेज़ी आई थी, उसके बाद से ये डाउन के अंदर ही रहा, लेकिन अब वापस इसके अंदर तेज़ी आनी चालू हो चुकी है, और हम यही आशा करते हैं आगे और तेज़ी हो। और जो लोडर काम कर रहे हैं वो थोड़ा ध्यान दीजिए, जब बॉर्डर ओपन होने के साथ में अगर आप अपना माल भेजते हैं तो मेरे हिसाब से दो पैसा आपको ज़्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे। जैसे ही बॉर्डर ओपन होगा तो थोड़ी सी तेज़ी देखने को उसमें मिलेगी ही मिलेगी। तो चलिए ये भाव थे बॉर्डर के, निर्यात के बारे में जितनी जानकारी थी वो आपको दी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कोई इन्फॉर्मेशन या अगले किसी भाव के साथ में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।